मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पूनम पुरोहित और उनके साथियों ने देश में बढ़ते बलात्कार के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा कड़ी सजा का निर्धारण किए जाने और बेटियों की सुरक्षा के लिए भी कड़े कदम उठाए जाने को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा है। देश में बलात्कार लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में महिलाओं के प्रति असुरक्षा का भाव समाज में निरंतर बढ़ता जा रहा है। इससे देश की कानून व्यवस्था का लाचार होना है। लाचार कानून व्यवस्था का फायदा उठाकर लंबी अवधि तक कोर्ट केस चलने से अपराधी सजा से छूट जाते हैं। वर्तमान में देश को एक अनिवार्य और सख्त कानून की आवश्यकता है, जिसके द्वारा तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके तथा भारतीय समाज को अपराध मुक्त बनाया जा सके। भारतीय संविधान सभी को पर्याप्त सुरक्षा एवं सुखपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त करता है, इसलिए महिलाओं को भी सम्मानजनक स्थान समाज में मिले। शिवपुरी से देवेश सेन की रिपोर्ट। हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ हुई हैवानियत के खिलाफ हम आज कलेक्ट्रेट शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश में ज्ञापन देने आए हैं। पूरे देश की तरह शिवपुरी की जनता भी इस जघन्य हत्याकांड और बलात्संग के सामूहिक बलात्संग के इस कांड से बहुत व्यथित, उद्वेलित और आक्रोशित है और हम महामहिम को अपने ज्ञापन के माध्यम से ये अवगत कराने आए हैं कि हमने 2012 के निर्भया कांड के बाद पॉक्सो जैसा खतरनाक एक्ट भी बनाया, उसमें कड़ी सजाओं के प्रावधान भी हमने करे थे, तो कारण क्या है कि उसके बाद भी आज इस तरह के जघन्य हत्याकांड दोहराए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो हैदराबाद का प्रियंका रेड्डी हत्याकांड है, वो हमारी कानून व्यवस्था पर, वो हमारी एजेंसीज पर, उनके जांच के तरीके पर, इन्वेस्टिगेशन के तरीकों पर पूरी तरह सवालिया निशान लगाता है। और मैं आज अपने वक्तव्य के माध्यम से सरकार को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूँ कि आज आप IPC में, यानी भारतीय दंड संहिता में, CRPC में, पॉक्सो एक्ट में, IT एक्ट में और संबद्ध जितने भी कानून हैं जो इस श्रेणी के अपराधों से जुड़ते हैं, जो महिलाओं के विरुद्ध हैं, उनको संशोधन करने का आज समय आ गया है। किसी नए एक्ट बनाने से ये समस्या हल नहीं होने वाली, क्योंकि संबद्ध जो सारे कंसर्न जो एक्ट हैं उनमें पर्याप्त संशोधन की गुंजाइश है। जिसमें आपको बताऊं कि आज बात चलती है बार बार कि मृत्यु दंड की सजा दी जाए अपराधी को, ये प्रावधान पहले से हैं, कई मामलों में दिए जा रहे हैं, तो उस प्रकृति के अपराध खत्म नहीं हुए हैं। मैं सरकार को एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूँ, आप इसको ध्यान से सुने, कि धारा 53 IPC जो है उसमें 6 प्रकार के दंड थे, ठीक है, तो उसमें जो 6ठे प्रकार का दंड था उसे सरकार ने संशोधन करके खत्म किया आज़ादी के बाद। मैं चाहता हूँ उसे दोबारा से शुरू किया जाए। वो दंड था आजीवन निर्वासन का, जो अंग्रेजों के ज़माने में चलता था, मैं उसकी वकालत करता हूँ, वो किया जाना चाहिए। और जो समाज के अंदर इस तरह के दोषी लोग हैं, जो ऐसे जघन्य हत्याकांड और सामूहिक बलात्संग के मामलों में हैं, उनको अंडमान निकोबार द्वीप के किसी निर्जन द्वीप पर आजीवन के लिए उनको वहाँ छोड़ा जाए और उनको भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि पर लौटने ना दिया जाए यदि वो दोषित होते हैं। ये मृत्यु दंड से भी ज़्यादा खतरनाक दंड है। और मैं मांग करता हूँ महामहिम से और हमारे जनप्रतिनिधियों से और भारत की संसद से कि वो उसके लिए विशेष कानून बनाए। और हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।